सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। पाकिस्तान, पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, पाकिस्तान, पाकिस्तान, इमरान खान, पाकिस्तान, 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 सर ये जो कांड हुआ है अभी पुलवामा में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पुलवामा जो हमारे 42-44 जवानों की जो शहादत हुई है, हम उनका बदला चाहते हैं। और जो वहाँ उग्रवाद के सरगना बैठे हुए हैं पाकिस्तान के, उनके घर में ही जाकर उनको मारा जाए, तब हमारे को तसल्ली मिलेगी। अच्छा जी, हम रिटायर फौजी हैं और हम दोबारा लड़ना चाहते हैं, अगर हमारे को जरूरत पड़े तो हम लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिटायर सूबेदार राजेंद्र सिंह। कहाँ से हो आप? मैं गांव सतलापुर, तहसील अगला, जिला अलीगढ़ से हूँ। अच्छा जी, आप चाहते हैं कि हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें बुला लिया जाए? अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो हम बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा जी, ठीक है साहब। सर पुलवामा कांड के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो देश के 42 जवान जो शहीद हुए हैं जी, हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं और पाकिस्तान को ये चेतावनी देते हैं कि पाकिस्तान ये ना समझे कि उसने हमारे निहत्ते जवानों पर हमला करके ये जो अपना नाम बनाया है, नाम किया है जी, वो ये ना समझे कि हम बैठ गए जी। हमारे देश में अभी इतने जवान हैं कि पाकिस्तान को जब चाहेंगे जब मिटा देंगे जी। और हमारा ये कहना है कि हमारे भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं जी, वो इस केस से अलग रहें जी। और माननीय नरेंद्र मोदी जी से मेरी ये विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे जो भाई हैं, हमारे जो जवान हैं देश के, वो जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार वालों से जाके पूछें उन्हें क्या बीत रही है, उनके दिल पे क्या बीत रही है। और इसका जो है हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जैसे उन्होंने हमारे साथ किया है वैसा ही जवाब उन्हें दिया जाए जी। हमारी ये माननीय नरेंद्र मोदी जी से विनती है और अगर वो इस फैसले को जल्द से जल्द लेते हैं तो हम हमेशा बीजेपी के साथ खड़े हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं जी। ये हमारी विनती है साहब उनसे। हमारी आर्मी को खुली छूट दी जाए, आर्मी को खुली छूट दी जाए, हमारी को जो करना हमारे फौजियों को त्रासद किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब हाथ बांध दी जाए, पत्थरबाज करते हैं। कई बार ये कांड हो चुके, पाकिस्तान कभी बाज नहीं आया तब तक उसको घर में जाकर नहीं मारा जी। पाकिस्तान को घर में जाकर मारा जाए तब जाके बाज आएंगे, आतंकवादी लड़ा जाए, हमारा तो ये कहना है। ये क्या है, हमारी जरूरत पड़ती है, हमारी जरूरत पड़ती है, हम तैयार हैं वहां जाने के लिए, हमें भेजो, हमें दो रुपया नहीं चाहिए सरकार पे, हमारी जरूरत पड़ती है, हमें भेजो। शहर के ऊपर हमला कर रहे हैं, ये सब बहुत बड़ा मामला है। ये अब जो पाकिस्तान ने बहुत गलत किया है, उनके घर में जाकर उन्हें मार लगनी चाहिए भाई, मैं तो ये चाहता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।